ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको अपना खुद का कंटेंट बनाना है रिव्यूज बना के। ये एक काफी मजेदार एक्सपीरियंस है और सेम टाइम पे ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसमें ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं और उनके होते हुए अपने वीडियोस को रैंक करना ये काफी मुश्किल टास्क है। ये टास्क मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज बनाने हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये सोचना बंद करो कि रिव्यूज बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे मैंने 120 रुपये में 17 रिव्यूज बनाए। सो उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जो तुम सालों से यूज करते आ रहे हो, जैसे कि टूथपेस्ट, चाय, दूध, शूज, फोन, हेडफोन्स, बाइक, कार, पेन, पेंसिल, झाड़ू, कुछ भी यार जो तुम्हारे पास है, तुम कुछ भी रिव्यू कर सकते हो। लोग देखेंगे कि नहीं वो अलग बात है, पहले उस आर्ट को समझो, प्रैक्टिस करो। ये सोच के रोते मत बैठो कि आईफोन का लेटेस्ट मॉडल कैसे रिव्यू करूँ, जो महंगी महंगी नए नए फ़ोन्स आ रहे, गैजेट्स आ रहे, वो कैसे रिव्यू करूँ। उसके भी तरीके हैं, कमेंट्स में पूछो तो मैं तुम्हें बता दूंगा नए वीडियो में कि वो सारे प्रोडक्ट्स को तुम कैसे रिव्यू कर सकते हो। सबसे पहली बात तो डरो मत, बस स्टार्ट करो। तुम्हें कोई महंगा कैमरा या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से स्टार्ट करो जिसमें से तुम ये वीडियो देख रहे हो। नहीं तो घर में जिस किसी का मोबाइल है, वो जब फ्री होंगे तो उनसे मोबाइल ले लो और तब वीडियो बनाओ। देखो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, पक्का इरादा बना लो और हौसला इकट्ठा करो, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, सल्यूशन निकालो। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक आसमान में जाते हुए रॉकेट की तरह बूस्ट होगा, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। भाई अगर सोचो अच्छे से तुमने ये किया, नए तरीके से ये किया, तो तुम्हारा चैनल फट जाएगा और मोनेटाइज होगा। तो उसको ग्रो करो, पैसे कमाओ और खुद भी ग्रो हो जाओ। ये करके लोगों से भी तुम जुड़ सकते हो जो बाद में तुम्हारे कस्टमर्स या फैन बन जाएंगे। सिर्फ करते जाओ यार, रुको मत, करो और पिछले वीडियो से अगले वीडियो में सिर्फ 1% अच्छा करने की कोशिश करो। 100 वीडियोस के बाद देखो तुम कहाँ होगे। सब्सक्राइबर्स नहीं भी आए तो भी पर्सनली बहुत ग्रो करोगे। तुम कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, और अगर तुम कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे। एक लिस्ट बनाओ जिसमें 10, 50, 100 प्रोडक्ट्स जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जिनको तुमने बहुत यूज़ किया है। स्क्रिप्ट लिखो, शूट करो, एडिट करो, दबा दो अपलोड का बटन। इससे ये होगा कि तुम पूरा प्रोसेस सीख जाओगे और बेटर होने लगोगे, और तुम्हें टेंशन भी नहीं आएगा कि क्या बोलें। यार ये ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनको तुम रग रग से जानते हो। मैगी इतने सालों से खाई है, बना दो उस पे रिव्यू, उसको बनाने के 100 तरीके बताओ, वायरल हो जाओगे यार। देखो अनलिमिटेड वेज है, फिर तुम लिमिटेड क्यों सोच रहे हो? एंड में क्या ही होगा अगर तुमने 100 वीडियोस बनाए और कुछ भी नहीं हुआ? तुम एटलीस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग सीख जाओगे, शूटिंग सीख जाओगे, एडिटिंग सीख जाओगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। भाई ये सब कम इम्पॉर्टेंट थोड़ी है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मैंने जो सोचा था वो कर लिया, मज़ा आएगा यार तुम्हें। और कुछ नहीं तो 100 वीडियोस की एनालिटिक्स समझ पाओगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि YouTube कैसे काम करता है, और तुम काफ़ी ग्रो करोगे, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकोगे, लोगों को कंटेंट बनाने में हेल्प कर पाओगे और बहुत कुछ होगा। यार शुरू तो करो, धीरे धीरे गुरु बन जाओगे, और नहीं बने तो एक गुरु ढूंढो और उनसे सीखो। लेकिन यार करना ज़रूर, एक ही जिंदगी है, क्या पता कल हो ना हो।